हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एस टॉक्स। माई सेल्फ खुशी अग्रवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स इन कंपनी लॉ एग्जाम। सो बेसिकली कंपनी लॉ का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 100% अटेम्प्ट नहीं कर पाते और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आते हुए भी मिस हो जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि कंपनी लॉ के एग्जाम में आंसर्स लिखने कैसे होते हैं, वट इज़ द राइट मेथड टू राइट आंसर्स इन कंपनी लॉ एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो कुछ कॉमन टिप है जो आपको हर सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है। स्टार्ट विथ योर बेस्ट आंसर, आपको वो आंसर सबसे पहले लिखना है जो आपको सबसे अच्छे से आता है, ठीक है। फिर वो चाहे 2 हो सकता है या 5 हो सकता है, वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ आपको हर आंसर न्यू पेज से स्टार्ट करना है। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो नहीं पता, आपको ब्लू बॉल पेन से लिखना है, ओके। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर कंपनी लॉ सब्जेक्ट की। तो कंपनी लॉ में मोस्टली केस स्टडीज़ आती है, जिस वजह से वो पेपर थोड़ा लेंथी हो जाता है। आपको वहाँ प्री प्लानिंग बहुत हेल्प करेगी। आपको एग्ज़ाम से पहले ये सोच के जाना पड़ेगा कि आप कौन से सेक्शन को या कौन से पार्ट को पहले अटेम्प्ट करोगे या क्या सिक्वेंस होना चाहिए। जैसे कि हमारा कंपनी लॉ 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। तो आप पहले किस तरीके से, किस सिक्वेंस में उस पेपर को अटेम्प्ट करोगे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले पार्ट बी अटेम्प्ट करिए और उसके लिए एक टाइम लिमिट सेट करके रखिए। तो मुझे लगता है कि पार्ट बी को आपको 1 hour and 10 minutes में कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद पार्ट सी को आप मैक्सिमम 20 minutes दे सकते हो। उसके बाद आता है हमारा पार्ट ए, बचा हुआ सारा टाइम पार्ट ए को दे दो, ठीक है। अगर इस तरीके से आप प्री प्लान करके जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि कंपनी लॉ का पेपर देख के हम लोगों को वैसे भी जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो वहाँ पर प्री प्लानिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस लिखने किस तरीके से। तो बेसिकली कंपनी लॉ में पेपर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है केस स्टडी फॉर्म में, और सेकंड है डायरेक्ट क्वेश्चंस, और तीसरे हैं पॉइंट में जो पूछे जाते हैं। कुछ कंपनी का डेटा दिया जाता है चार्ट में और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तीनों तरीके के क्वेश्चंस किस तरीके से आपको लिखने हैं वो मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं केस स्टडीज़ की। सबसे पहले केस स्टडीज़ का फॉर्मेट होता है आंसर लिखने का, जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोविज़न जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया होगा, और उसके बाद फैक्ट एंड इशू आपको क्वेश्चन में से ही लिखना होता है, और उसके बाद कंक्लूज़न जो आपके फैक्ट एंड इशू और प्रोविज़न के बीच का एक कंपैरिजन होता है, जिसमें आप डिसीज़न बताते हो कि क्या राइट डिसीज़न होना चाहिए उस केस स्टडी को लेके। तो ये फॉर्मेट रहता है केस स्टडीज़ का। सेकेंड चीज़ है डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको सीधा प्रोविज़न लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपको ना तो फैक्ट इन इशू दिया होगा, तो कंक्लूज़न भी नहीं लिखना होगा। तो आपको वहाँ पर सीधा लिखना है, और आप वहाँ पॉइंट्स में लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थर्ड टाइप की जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक ग्राफ फॉर्म में दिए जाते हैं, जिसमें कंपनी का कुछ डेटा दिया होगा ग्राफ फॉर्म में, और उसमें से आपको पॉइंट्स में कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में पूछा है कि NRC कमेटी किस किस कंपनी को बनानी पड़ेगी। तो इसमें आपको एक बहुत सिंपल टिप फॉलो करनी है। इसमें आपको प्रोविज़न बता देना है कि कौन सी कंपनी को NRC बनानी पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पर कंपनीज हैं उनमें बता देना है कि इसका जो लिमिट है वो क्रॉस हो रहा है, तो इसको बनाना पड़ेगा, ओके। अब इसमें सेकंड में पूछा है कि जो चेयरमैन है NRC कमेटी का, वो कंपनी का चेयरमैन भी हो सकता है क्या। इस हम सबको पता है कि कंपनी का जो चेयरमैन होता है वो NRC कमेटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। आपको बस ऐसी ये छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है, और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, याद रखना। एक और चीज़, आपको कंपनी लॉ का पेपर जो है वो बहुत पेशेंस के साथ लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो केस स्टडीज़ को देख के ही हाइपर हो जाते हैं और उनको जो आता है ना वो भी भूल जाते हैं, लिटरली वो जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा खुद पे बिलीव रखना है और थोड़ा कूल डाउन होके पेपर को अटेम्प्ट करना है। और कंपनी लॉ में आपको पहले से 1-2 पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, प्रॉपर अलार्म लगा के सिटिंग दो, और जैसे ये समझ लेना कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, और खुद के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होके 1-2 क्वेश्चन पेपर लिख के जाना पहले से, तभी आप वहाँ पर एक अच्छा खासा पोर्शन अटेम्प्ट कर पाओगे उस एग्ज़ाम का। और
चीज़ ज़रूर याद रखना, आप जो भी आंसर अटेम्प्ट करके आते हो ना तो उसको फ्रंट पेज पे मार्क करना होता है कि आपने कौन से आंसर्स को अटेम्प्ट किया है, तो आप उनको भी मार्क करके आना, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं जो हमें मिलते हैं जिस तरीके से हमने सारे आंसर्स लिखे हैं और ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमने मार्क की हैं या नहीं की हैं, तो ये सारी चीज़ों के हमको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। अब वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने देंगे, तो अगर आप ये सारी चीज़ें करके आते हो तो आपका जो स्कोर है कंपनी लॉ में थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। और उसके साथ ही एक चीज़ और ये याद रखो कि अगर टाइम बच जाता है तो आप ना कुछ चीज़ों को हाईलाइट करके आओ जो चीज़ें उस आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि एग्जामिनर का ध्यान उस पर जाए, तो आप HB पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।